जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। आज का सब्जेक्ट रखा गया है व्यवस्थित शक्ति, जो अपनी त्रिस्तरी आज्ञा है। कर्ता कौन है, कराने वाला कौन, बहुत महत्व का है। क्योंकि कोई भी कार्य नहीं हो पाया, किसने किया, किसने बिगाड़ा, सीधा करो उसको, किसने इसको मारा, कौन मारता है इसको, पकड़ो उसको, सजा करो। लोक संसार में यही, किसने किया उसको सजा करना, पनिशमेंट देने का। ज्ञानी की दृष्टि भुगतता है उसकी गलती और हुआ सो न्याय। किसने किया वो नहीं देखते, किसने भुगत लिया उसकी गलती का दंड आया वो निमित्त है। कितने संसार की दृष्टि अलग है और मोक्ष जाने वाले की दृष्टि अलग है। सच्चा कर्ता कौन, वो मोक्ष जाने वाले उनको मालूम हो गया, उन्होंने ढूंढ निकाला। कुछ भी भगवान महावीर को कान में बरूद ठोके गए तो कहे पूछ, पहले मैंने गुनाह किया था उसका दंड आज कोई निमित्त से आता है। वही आदमी जिसने दुख पाया होगा हमारे से, वही हमें दुख दे रहा है, ऐसे भी हो सकता है। अभी भगवान महावीर तो मोक्ष चले गए, तभी वो आदमी जिसने बरू ठोके थे उसको कोई दूसरा कोई हिसाब वाला भी इकट्ठा होगा, ये सब उसको राग द्वेष का हिसाब मिलेगा। तो ये कौन करता है, ये जागृति हमारे लक्ष्य में रहे तो फिर निमित्त निर्दोष दिखेगा। नहीं तो ज़्यादा करके अच्छा हुआ तो अहंकार को गर्वरस हो जाता है कि अपने, चलो अपना काम सही हो रहा है, ऐसा लगा आपको, बराबर है, खुश हो जाता है। और बिगड़ गया तो इसने बिगाड़ा, नहीं मैंने तो बराबर किया था, ये बीच में आ गया, ये टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या करूँ, काम संजोग मिलने चाहिए ना, साधन नहीं होगा तो मैं कैसे पूरा करूँगा। तो ये कितने संजोगों पर छोड़ देता है कि उसके वजह से काम बिगड़ गया। तब हम सच्चा कर्ता जागृति में रखेंगे, हाँ, और बेस्ट उपाय क्या है, काम बिगड़ गया तो वे सॉल्व करो, हमारी बुद्धि काम काज का सॉल्यूशन में वापरो, व्यक्ति को गुनहगार मत देखो। क्योंकि भक्ति वन ऑफ द एविडेंस है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कितने सारे संजोग इकट्ठा होंगे तो कार्य होएगा। घड़ी गिर गई तो संजोग आधीन, व्यक्ति का दोष नहीं है। अभी सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कभी दूसरा क्या उपाय है वो सॉल्व करो, व्यक्ति को गुनहगार मत देखो। तो फिर व्यवस्थित का ज्ञान वहाँ वापरना है कि ना, हुआ सो व्यवस्थित, कितने सारे संजोग के आधार से कार्य बिगड़ा या आधार से कार्य सुधरा। व्यक्ति गुनहगार है नहीं, व्यक्ति निमित्त है, क्योंकि उसने अहंकार किया होगा। तो सब अलग अलग भाव किए हैं मनुष्य ने, अलग अलग कार्यों में कुदरत उसको निमित्त बनाती है। चाय बनाने का मुझे बस, मेरे मित्र आएंगे सबको मैं चाय पिलाऊंगा, तो ये भाव अपना पूर्व भाव में चार्ज किया था, आज डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज भाव, उसके वजह से द्रव्य यानी मन वचन काया, बाहर के संजोग शुरू होते हैं, टाइम मिलेगा, स्पेस मिलेगी, मित्र मंडल आया, सबको चाय पिलाई, तो इस चाय की पत्ती, चीनी, दूध, पानी, बर्तन, कितने सारे संजोग की जरूरत पड़ती है। तो कार्य किया किसने, भाव सिर्फ, और वो भी शुद्धात्मा का भाव नहीं, फाइल वन का चंदू का भाव है। तो पूर्व भाव में किया था डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज भाव काल क्षेत्र द्रव्य मिलके कार्य होता है, उसको किसने किया तो व्यवस्थित। और नौकर से ग्लास फूट गया गिर के, किसने किया तो व्यवस्थित। उसको पूछे तूने क्यों फोड़ा, साहब मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, मैं बचाने के लिए प्रयत्न किया, तो वो तो नौकर फोड़ नहीं रहा है, उसके मन वचन काया वो संयोग स्वरूप है, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं, और व्यवस्थित है। अवस्था मात्र मन की, वाणी की, देह की अवस्था मात्र साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, संयोगी पुरावा,
जो दिखते हैं वो तो हम बुद्धि से समझ सकते हैं कि इतने इतने संजोग की वजह से हुआ, और उससे आगे सूक्ष्म है जो पूर्वभव में कोशिश रूप से सेठ सेठानी का हिसाब, घर वाले का हिसाब, नौकर का हिसाब, वो जो जिसके जिस कंपनी से लाए थे वो कंपनी वाले के ग्लास फूटेंगे, नए खरीदने वाले का हिसाब, कितने सूक्ष्म संयोग मिलके आज ये रिजल्ट आया, ग्लासवेयर फूटे, तो किसने किया? वो जागृति में हमें सादा शब्द वापरना, व्यवस्थित, किसी का दोष नहीं है, प्रैक्टिकली वापरते जाएंगे, ऐसे अनुभव के अंश बढ़ते जाएंगे, और सत्संग, दादाजी की वाणी, उसके परिचय मेरे के डिटेल में व्यवस्थित का ज्ञान फिट करना है। 11वीं आप्तवाणी पूरा व्यवस्थित के ऊपर ही है, कितने हजारों प्रकार से दादाजी ने व्यवस्थित का रहस्य ज्ञान खुला किया है, और स्टडी में लेते जाने का, कितने प्रकार के दादावाणी भी है व्यवस्थित की, समझ हमें उसमें से मिल सकेगी। ये वापरना है व्यवस्थित की आज्ञा, जितनी वापरते जाएंगे नए कर्म बंधन नहीं होगा, समाधि रहेगी, और व्यक्ति के दोषी देखा ही नहीं तो उसको हमारे साथ प्रेम टूटेगा भी नहीं, अभेदता प्रेम रहेंगे। ये वापरना है आज्ञा, एक एक आज्ञा जितनी वापर, यही निश्चय करना है। दादाजी की 5 आज्ञा इसी जीवन में, इसी जन्म में सिद्ध करनी है, हर एक प्रत्येक व्यवहार आज्ञा में रह के पूरा करना है, और आज्ञा में रहने से कर्म बनते नहीं और एकावतारी तक हम पहुंच सकेंगे। आज्ञा के बिना मोक्ष मार्ग पूरा होगा ही नहीं। चलो प्रश्न लेते जाएंगे। सुनील प्रधान भुवनेश्वर से, मेरा प्रश्न ये है कि पुरुषार्थ और भाव उसको व्यवस्थित से कैसे कोरिलेट करें? अभी अज्ञान दशा थी तब मैं ही सुनील हूँ, बस मुझे लोगों को हेल्प करनी है, मेरे तरफ से सबको 50 आदमी को खाना खिलाना है, मेरा भाव है, वो भाव सुनील का था, और वो भाव बस मुझे सबको खिलाना है, सबको गिफ्ट देनी है, बच्चों को प्रसाद करना, तो ये भाव सचमुच तो डिस्चार्ज भाव है, पर अज्ञान था मैं ही सुनील, मैंने ही भावना की, मुझे सबको खिलाना था, मैंने खिलाया, मुझे बहुत संतोष है, अभी मेरी भावना पूरी हो गई, उस टाइम पे वो तन्मयाकार होता है, तो भाव वो खिलाने का कार्य डिस्चार्ज है, व्यवस्थित है, और भाव वो वापस तन्मयाकार होता है, दूसरे भाव के लिए चार्ज करता है। भाव जो है वो पिछले जन्म का है, है डिस्चार्ज भाव, पर अज्ञान दशा में तो उसको लगता है मैंने ही भाव किया, तो मैंने किया उसे नया बीज डालता है, मैं सुनील हूँ, मैंने भाव किया, मैंने सबको खिलाया, वो भाव का बीज गिरेगा और बीज दूसरे को वापस फल आएगा, और ज्ञान के बाद एग्जैक्टली ये है कि ये सुनील का भाव है, व्यवस्थित शक्ति संजोग मिल के कार्य कराया, मैं सुनील क्या करता है उसको देखा जाना, तो ये रियल पुरुषार्थ, ज्ञाता दृष्टा और रियल पुरुषार्थ है, और कार्य हुआ व्यवस्थित से। मतलब ये चाय बनाने के एग्जांपल में उसको अगर फीट करें तो सुनील चाय बना रहा ही है, उसके मैं जानू, ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ है, रियल पुरुषार्थ, और अज्ञानी का रिलेटिव पुरुषार्थ होता है कि बस सबको अच्छी चाय पिलानी है, नाश्ता भी कराऊंगा, मेरे मित्र आए हैं सबको मुझे देना है, तो ये रिलेटिव पुरुषार्थ, मन बिगाड़ दिया साले कहाँ से आ गए, खिलाओ पिलाओ, तो भाव बिगाड़ के करेगा तो भाव बिगड़ गए, वो भ्रांति का पुरुषार्थ, दूसरे को बिगड़ेगा उसका। विजय सिंह बोल रहा हूँ। कुश्री जी, 3 साल पहले हम लोगों ने ज्ञान लिया था बनारस में आपके माध्यम से, आज 3रा साल बीत गया है, जो पहले की समस्याएं थी वो तो अब पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत अच्छा। पहले फाइनेंशियल समस्या थी, मेंटल समस्या थी, फिजिकल समस्या थी, तमाम समस्याओं का जाल बुना हुआ था, वो कहाँ चली गई है पता ही नहीं चलता है पुजसी। हाँ, इतना जरूर है कि जब समस्या आती है तो हमें आप याद आते हैं, अब तो आप दिल के अंदर रहते हैं पुजसी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं अवधे सोनी, टाटा झारखंड से। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि व्यवस्थित शक्ति में फाइल वन का कितना रोल है, और क्या ये फाइल वन भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है? कृपया समझाने की कृपा। अवधेश, पूरा मन, वचन, काया, बुद्धि, चित, अहंकार,
पति पना सब सब पार्ट सूक्ष्मतर सूक्ष्म स्थूल सचमुच तीनों विभाग व्यवस्थित के ताबे चला गया और उसको मैं हूँ मानते थे वो अज्ञानता वो रॉन्ग बिलीफ छूट गई मैं शुद्धात्मा हूँ यानी जागृति में आए वो पार्ट व्यवस्थित के ताबे लिए और ये अवधेश का सब रिलेटिव पार्ट अवधेश का व्यवस्थित के ताबे हो गया। धन्यवाद। हाँ, उसको देखना जानना अवधेश क्या करता है व्यवस्थित उसको कैसे चलाता है वो सब देखना जानना हो हमारा पुरुषार्थ ऊंचे प्रकार का जुदा ही रखना। बुरा निकल गया शब्द तो भी अवधेश को अवधेश ये प्रतिक्रमण करो अच्छा काम किया अवधेश अच्छा है ऐसा ही दादाजी का काम करते रहो पर मैंने किया वो एक भी बार हमें लाना नहीं है जागृति रहनी है नहीं ये सब अवधेश व्यवस्थित शक्ति प्रेरणा भी देगी अवधेश को व्यवहार का काम भी कराएगी अवधेश के पास है उसको मैं जानने वाला। सर्वेश्वर साहू मैं डे टू लाइफ में व्यवस्थित शक्ति को कैसे अप्लाई करें और निमित्त को दूषित देख लेते हैं। व्यवस्थित शक्ति को तो कुछ भी कार्य हुआ तो तुरंत व्यवस्थित का वापरना शब्द संजोग के वजह से हुआ काम बिगड़ गया तो भी व्यवस्थित काम सुधर गया अच्छा हुआ तो भी व्यवस्थित सर्वेश्वर जो भी काम करता है वो व्यवस्थित सब संजोग मिला के काम कराते हैं हम उसको जानने वाले वो जागृति में रहना है। उसने काम करते करते कुछ काम बिगड़ गया तो वापस बोलेंगे सर्वेश्वर सब संजोग नहीं मिल रहे हैं काम बिगड़ रहा है चलो वापस ट्राई करो दादाजी शक्ति माँ को संभाव से निकाल कर रहा है पर ये सर्वेश्वर सब संजोग मिलेगा तो कार्य पूरा कर पाएगा संजोग नहीं मिल पाते तो कार्य पूरा नहीं हुआ या बिगड़ गया वापस ट्राई करने का मगर करता कौन सर्वेश्वर हम शुद्ध आत्मा जुदा सर्वेश्वर जुदा करने वाला सब हिसाब लेके आया है व्यवस्थित उसको पूरा कराएगी। ये निमित्त को दोषित दे देते मतलब वो गलती सिर्फ वही गलती निकाल देने की है ये निमित्त उसका ही नाम है कि वो वन ऑफ द एविडेंस है एक काम बिगड़ने में 100 एविडेंस है उसमें से कौन से एविडेंस को गुनेगार कहोगे तो ये नौकर से सब ग्लास सब गिर के फूटा ट्रे में हेवी थी वजन कारपेट में पाँव आ गया उसका ध्यान नहीं रहा दूसरा कुछ देखने गया होएगा तो कितने सारे सवार हमारे चीज़ का नुकसान हुआ कितने सेठ को भी नुकसान भोगवटा आया तो कितने सारे संजोगों के वजह से कार्य हुआ कौन से संजोग को गुनेगार देखेंगे नौकर के बदले कारपेट को गुनेगार देखो ट्रे को बनाओ कांच का स्टील के ग्लास थे तो नहीं भी फूटता था तो किसको गुनेगार कहेंगे ये जागृति रखनी है किसने किया रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन से संजोग को गुनेगार कहेंगे। नहीं जो होता है कि हमारे पूर्व जन्म का मतलब फल है ये सब जो कुछ होता है मतलब हमारे साथ इस जन्म कोई भी करता है हमारी मतलब कोई दुख देता है कुछ भी करता है ये सब पिछले जन्म फिक्स है हमारे साथ। हाँ और सर्वेश्वर को देता है आपको नहीं देता है वही तो काम है वही गलती की वजह से दोषी दिखता है मुझे अपमान किया अरे वो तुम्हारा किया ही नहीं है सर्वेश्वर का किया और वो खुद चंदू ने किया वो शुद्धात्मा जुदा है मैं शुद्धात्मा जुदा ये जागृति में रहो और चंदू और सर्वेश्वर व्यवस्थित के अधीन मशीनरी जैसे है दोनों मैकेनिकल एडजस्टमेंट तो उसके साथ मतलब दोषी नहीं देखने का। हाँ और व्यवस्थित का ज्ञान ही निर्दोष दिखाता है क्योंकि करता ही नहीं फिर दोषित कैसे बोला जाएगा उस टाइम तन्मयकार हो जाते हैं हरकत नहीं वापस थोड़ी देर के बाद जागृति में आओ और सेट करो कि निर्दोष है। जय श्री हरिओम शर्मा पूज्य श्री जय सच्चिदानंद बोलो पूज्य श्री हमारा प्रश्न है कि पिछले साल फाइल टू को मैं लेकर आया था इस ज्ञान विधि में हिंदी शिविर में था पहले तो उसमें उन्होंने सर ज्ञान नहीं लिया और इस टाइम हम लोग दोनों लोग डाइवर्स के कगार पर पहुंच चुके हैं तो कृपया इस पर मार्गदर्शन देने की कृपा कीजिए कि डाइवर्स दिया जाए या आगे उसको नहीं हम तो जोड़ने का सिखाता है तोड़ने का नहीं सिखाता है और कहाँ गलती हो गई ढूंढ निकालो प्रतिक्रमण करो
श्री बहुत करते हैं लेकिन दादा का ज्ञान ही हाजिर है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर आया भी हूँ। यही भावना लेकर के घर से निकला था कि इस बार समाधान लेकर के पूज्य श्री से ही जाऊँगा। अभी तो क्या है कि थोड़ा वो अपने घर पे है कि अपने मायके चली गई? मायके हैं सर। हाँ तो थोड़ा देर रुको और प्रतिक्रमण करो और प्रार्थना करो दादाजी, संभव से निकाल करना है और आप अपने परिवार वो अपने परिवार सब लोग मिलके सॉल्यूशन निकालो जो हो सके ऐसा। सॉल्यूशन तो सर वो लोग एकदम डाइवर्स के ही कगार पर उन लोगों की इच्छा है। हाँ एक एक घंटा प्रतिक्रमण असीम जय जयकार करो, प्रतिक्रमण करो दादाजी से प्रार्थना करो। और क्या है कि डिवोर्स होना न होना व्यवस्थित का हिसाब है जी। मगर भीतर में साली ऐसे मुझे बिगाड़ दिया, मेरी जिंदगी बिगाड़ दी, बच्चे को ध्यान नहीं रखती, उसका बाप ऐसा है, उसकी माँ ऐसा, ये राग द्वेष दूसरे बहु साथ में आएंगे आपके, वो धो डालना है कि नहीं किसी का दोष नहीं, हमारा हिसाब आया, संभाव से निकाल करना है, समाधान पूर्वक सॉल्यूशन लाना है। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा नाम स्वाति है और मैं जयपुर से हूँ, मैंने कल ही ज्ञान लिया। बहुत अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि आपने कल कहा था कि मेहनत कोई और कितनी कब करता है यह भी व्यवस्थित है, पर ये कैसे? मतलब जैसे मैं अगर मेरा मैं पढ़ रही हूँ तो ये तो मुझ पर डिपेंड करता है ना कि मैं अगर 8 घंटा पढ़ रही हूँ, 12 घंटा पढ़ रही हूँ या मैं अपना दिन पूरा वेस्ट कर रही हूँ, तो मेहनत करना भी कैसे व्यवस्थित है? आप शुद्धात्मा मेहनत करता है कि स्वाति? स्वाति। हाँ स्वाति आपके कंट्रोल में है कि व्यवस्थित के कंट्रोल में है? व्यवस्थित के। हाँ मेहनत का भी पार्ट व्यवस्थित का ही है, पार्ट ऑफ द व्यवस्थित, और रिजल्ट आया वो भी पार्ट ऑफ द व्यवस्थित, सब मिलके कर परिणाम आया और डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आप 8 घंटा मेहनत करती है बाद में बोलते 12 घंटे, तो 12 घंटा तो 16 घंटा क्यों नहीं करते? तो ये टाइम वो भी वन ऑफ द एविडेंस है व्यवस्थित का। और मेहनत तो किताब होगी तो मेहनत करोगे ना, किताब नहीं होगी तो क्या पढ़ोगे? तो ये संजोग है, टाइम स्पेस एविडेंस, और जगह भी मिलनी चाहिए। अरे मम्मी पापा सब घर में मेहमान आ गए तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे, तो ये भी संजोग की बात है जी। तो कितने सारे संजोग मिलके कार्य होता है, यानी आप क्या करना है अभी, ज्ञान क्या बताता है स्वाति को बोलने का? स्वाति सरस अच्छी तरह मेहनत करो सिंसियरली और दादाजी की प्रार्थना पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट की सब तैयारी करो, बस परीक्षा में जो भी आता है एक के बाद एक लिखना चालू कर दो, जो भी रिजल्ट आया परीक्षा देने के बाद तो जो भी सिखा, अभी वो टेंशन में मत रहो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुश्री। बोलिए। अमरेश पासवान बिहार। मेरा प्रश्न है पुश्री कि मैं एक राइस मिल में सुपरवाइजर के पोस्ट पर हूँ और उस मिल में जितने भी ठेकेदारी का काम है जैसे चावल के पैकिंग करना या उधर धान का जो भी काम है, उन ठेकेदार के सारे काम को मैं देखता हूँ एवं ट्रांसपोर्टिंग का जितना भी काम है, गाड़ी लगाना या गाड़ी माल कहीं भेजना है, वो सारा काम मैं देखता हूँ। तो कंपनी के तरफ से यह एक छूट रहता है मुझे कि आप अपने आदमी को लाकर यह ठिका का भी काम करवा सकते हैं, उसमें जो आपका बने वो आपका होगा। तो मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को यह ठिका दे देता हूँ और मैंने 2 व्यक्ति को दे रखा हूँ जिसमें से एक ने मुझसे कहा कि आपको पर मंथ क्या चाहिए, तो मैंने उससे कहा कि मुझे मंथली नहीं चाहिए, कभी कदाल अगर मुझे आवश्यकता पड़े 2-4 हज़ार की तब मैं अगर आपसे बोलूं तो आप मुझे देंगे, क्या वह लेना उचित होगा या अनुचित होगा? नहीं मगर वापस लौटाओगे के नहीं? वो कमीशन के रूप में। हाँ मगर कमीशन का भाव मत रखो जी, अभी ऑफिशियली जो पगार मिलता है जी वो तो अच्छा है ना जी, के कम है? नहीं वो ठीक है, हो सके तो ये कमीशन वाली बिजनेस से छूट जाना चाहिए, क्योंकि ये फोकट का पैसा एक एक रोम रोम कर दुख देके जाएगा, सुख देने वाला नहीं। लगता है मजा आ गई, पैसे 25,000 इकट्ठा हो गए और एक बीमार होएगा लड़का, 50,000 का नुकसान हो जाएगा और दुखी होके पैसे
सब दुख देखे जाएंगे, है ना। कमीशन छोड़ दो, अभी ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको, नहीं वैसा कोई खास बात नहीं। तो फर्स्ट क्लास अच्छी तरह काम करो, और हो सके तो पगार सेठ के पास ज़्यादा ले सकते हो। साहब अभी 40,000 पगार है, 50,000 करो, मेरे बहुत खर्चा बढ़ गया है, कमीशन का मुझे नहीं करना है, मुझे ऑफिशियल ही दे दो, तो पगार बढ़ाएगा तो ले सकते हो आप। जैसे ट्रक वगैरह लगाते हैं तो उस ट्रक को अगर हम किसी ट्रांसपोर्ट से लेंगे तो ट्रांसपोर्टर ट्रक मालिक से 1,500 रुपया हर ट्रिप में कमीशन लेगा, तो हम लोग उसको डायरेक्टली लगा लेते हैं अपने यहाँ, उसको लोड करके भेज देते हैं, तो क्या उनसे भी लिया जाए या नहीं? सचमुच तो अभी वो धंधा ही धीरे धीरे, एक आदमी प्योर होएगा तो दूसरा सिक्के दूसरे 10 आदमी प्योर होएंगे, तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार का रोग सबका मिटे। ताकि प्योरिटी से देखो तो सही, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं गिरेगा, उसकी गारंटी। प्योरिटी ट्राई करो तो बाकी, और ज़्यादा पैसे आएंगे पुण्य का हिसाब से जी। बाकी मेरे जो और सुपरवाइजर लोग हैं वो लोग को मैं छोड़ दूँ कि भाई तुमको जो करना है अपना करो। हाँ, उसको भी सिखाओ कि भाई ये अच्छा नहीं है धंधा, अगर वो ले रहा हो तो मैं उसे रोक, हमें कुछ करूं। नहीं, हमें नहीं लेना है। जय सच्चिदानंद पुष्य। जय सच्चिदानंद, लेने दो उनको, उनकी जिम्मेदारी है, हमें उसको सपोर्ट भी नहीं करना है और मगजमारी भी नहीं करना है, ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाना है। सभी समझ में दे सकते हो तो देने का, भाई ये फोकट का पैसा फोकट चला जाएगा और गुना लग जाएगा। संगीता कच्चा, बालक है ना मेरा, वो बहुत चिड़चिड़ापन करता है, मतलब थोड़ी सी कोई चीज उसके मन के हिसाब से नहीं हुई। कौन? तो मेरा बच्चा। हाँ, वो तो समझा के रास्ता निकाल लेगा, वो मैं ही डांटती हूँ उसको, फिर मुझे गलत लगता है। वो डांटने का नहीं बेटा, ऐसा है वैसा है, धीरे धीरे रास्ता करते रहेंगे। और कल मैंने ज्ञान विधि लिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। दिनेश देशमुख। सच्चिदानंद पूज्यश्री, व्यवस्थित शक्ति के बारे में मैंने लिखा हुआ है। 2010 में भोपाल में ज्ञान लिया, उससे पहले मैंने क्वेश्चन किया था और 13 साल बाद आज क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन लड़की के बारे में था और 10 साल की थी, बहुत चिंता होती थी लड़की की शादी की, तो क्वेश्चन के बारे में आपने व्यवस्थित शक्ति और उसका जो भाग्य लेकर आई है वो हिसाब से होगा, तो ज्ञान लेने के बाद में ये दादा का विज्ञान इतना फिट हो गया कि उसकी शादी भी हो गई और सब उसका व्यवस्थित है। और आपकी चिंता सब फोकट की गई? हाँ, चिंता चली गई। नहीं नहीं, पहले चिंता करता था, उसका कोई फर्क पड़ा वो नहीं, नहीं कुछ भी चिंता नहीं है, सब अभी नहीं है, मगर पहले करते थे। हाँ, पहले तो बहुत करते थे, वो पहला क्वेश्चन फोकट की गई सब। हाँ, सब फोकट, और हुआ तो अच्छा ही, लड़की का हुआ तो अच्छा ही है, वो बात बराबर है। और ये व्यवस्थित शक्ति में लड़के के बारे में मैंने अभी क्वेश्चन किया है, मुझे पता नहीं था 8-10 दिन पहले, वो 2011 या 12 में हम यहाँ आए थे अदालत में, बच्चों को भी साथ में लेके आए, लड़की को भी लाया था, लड़की ने भी ज्ञान लिया हुआ है, लड़के ने नहीं लिया, 23 साल का हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद में वो कार्टून की जो छोटे बच्चों की जो किताब रहती है कार्टून की, वो मैं लेके दिया था, और घर जाने के बाद में वो स्कूल में लेके गया, 7वीं कक्षा में था और स्कूल में सभी बच्चों को बता रहा था कि भाई देखो ये दादा भगवान है, इनको आत्मा का ज्ञान हुआ, ये सिमंदर स्वामी है, ये महाविद्या क्षेत्र में, सब बता दिया, और वो बच्चों ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। उस टाइम में वो बोलता था कि भाई कोई मानता ही नहीं है, तो मुझे भी उतना ये नहीं था, मैं बोला क्यों बोला, लेके नहीं जाना था, ये किताब अपने लिए है, सबके लिए नहीं है। और फिर वो पता ही नहीं, धीरे 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 उसके इसमें पूरी निगेटिव ही नहीं, लेकिन हमको बोलते हैं आप जाओ सत्संग में, वो नहीं आता, मैं एक बार बोलता हूँ उसको। और 8 दिन पहले व्यवस्थित शक्ति के बारे में उसने वो मोबाइल पे वो साइंटिस्ट लोगों ने जो ढूंढ निकाला जगत किसने बनाया, तो ये वो ढूंढ रहा था, और एक दिन वो वीडियो मेरे सामने लाया, तो बोले आप सब दादा का ही देखते, आप ये मेरा देखो, ये देखो मैंने गूगल पे क्या लिया, तो बोले ये जो संसार है ना, संसार में सबसे पहले समुन्द्र में ये बारीक, ये देखो ये जीव पैदा हुआ, उसकी वो सूर्य की किरण गिर गई, आप मेरे को हंसी आ गई, फिर मेरे को दादा के सिवाय दूसरा जमता ही नहीं। तो फिर वो बोले तू अब ये तो देखो, तो थोड़ा 2 मिनट देखा, मैंने देखो ये संसार कैसे बना, किसने बना है, वो गलत नहीं है। अच्छा, वो जो बताते वो भी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ कि नहीं। हाँ,
ये पानी है, जीव आया बड़ा हुआ तो सब संजोग मिले तब हुआ ना। हाँ। तो भीतर आत्मा भी है, बाहर प्रकृति भी है, पर आप उसको यही बताना है कि ये सब संजोग मिलके तो हुआ ना। ये दो इंद्रिय में से तीन इंद्रिय डार्विन की थियरी है, खुद डार्विन ही बताता कि संजोग परिस्थिति के आधार से डेवलपमेंट होता है। हाँ। तो वही तो दादाजी बताते हैं, एक ही बात है, सिर्फ डार्विन ने जितना बताया है। हाँ। वो एक दो तीन उंगली, एक उंगली तक बताया है, बाकी की 19 उंगली के बाद डार्विन के पास नहीं है कि मनुष्य में से कुत्ता होता है, वो डार्विन की थियरी में नहीं आएगा। और कुत्ते में से मनुष्य, वो तो चिंपांजी करके मनुष्य में आया, मगर मनुष्य में से गधा हुआ वो डार्विन नहीं बता सकता है। और वो नर गति, देव गति, जानवर गति, वो रहस्य दादाजी ने खुला किया, तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने खुला किया। यानी ज्यादा बहस मत करो, चर्चा मत करो, और स्वीकार करो कि ये भी बात बराबर है। साइंटिस्ट बोलते हैं करेक्ट है, उनको जितना विजन में आया उतना करेक्ट है, और उससे आगे की बात ज्ञानियों की दृष्टि में होती है। ऐसे कभी बोलना है तो बोलने का, नहीं तो सही है, बराबर है, करके छोड़ दो। उसको एक ही शब्द बोलता है, कभी सत्संग में जाना है, आप तो पुत्र का सत्संग है या कुछ प्रोग्राम होते हैं सेंटर पे, तो एक बार बोलता हूँ बच्चों के लिए है, आपको जाना है, तो बोलते नहीं तो बस तो छोड़ बाद में आएगा वो। हाँ ठीक है, वो बोलते 2030 तक मेरे को कुछ मत बोलो, मैं बाद में देखूंगा। हाँ बराबर। हाँ ठीक, जय सच्चिदानंद।